नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके प्राइम और जेके प्राइम में आज हम बात करेंगे एलजी मनोज सिन्हा के बयान को लेकर। आपको बताते चले कि आज राष्ट्रीय निजी चैनल पर बातचीत करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अक्सर समय भी उनसे मांगा गया है लेकिन कभी भी समय देने के लिए आप देखिए उनकी टीम जो है वो तैयार नहीं हुई है। बार बार अपील भी की गई है, कई लोगों की तरफ से मेल्स भी डाली गई हैं लेकिन उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन आज खैर मनोज सिन्हा जो है वो एक निजी चैनल को अपना बयान जरूर यहाँ पर देते हुए नजर आए, क्योंकि अमृत रत्न का एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें वो पूरी तरह से बखान करते हुए नजर आए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितना विकास हो रहा है और किस तरह से मुद्दे जो है वो उठाने चाहिए। और आपको ये भी बताते चले कि रिपोर्टर के साथ भी उन्होंने कह दिया कि आप अगर बड़े मुद्दे चुनते तो ज्यादा खुशी होती, क्योंकि आपने छोटे मुद्दों को चुना है। और रिपोर्टर का सवाल यहाँ पर यह था कि स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन रही और लाइफ लाइन जो यहाँ पर नेशनल हाईवे को लेकर बात कही जा रही थी उस पर किस तरह से काम हुआ और विकास को लेकर कितना काम हुआ। लेकिन खैर एलजी साहब को आज हम दिखाना चाहेंगे कि एक बड़ा मुद्दा हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, क्योंकि ये लोग पिछले कई सालों से धरने प्रदर्शन पर हैं और सब जानते हैं कि कितना एजिटेशन इन्होंने किया है, कितना प्रोटेस्ट इन्होंने किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है और उसके साथ साथ युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि अकाउंट के एस्पिरेंट्स भी सड़कों पर हैं, एसआई का जो घोटाला है वो सामने आ चुका है और उसके साथ साथ पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं जिसे अब नाम बदलकर जल शक्ति विभाग दे दिया गया है, तो जल शक्ति विभाग के ही ये सब डेली वेजर्स हैं जो काफी सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इनसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर कितने सालों से आप लोग धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। देखिए, ये धरना प्रदर्शन में सबसे पहले आपके चैनल का और आपके माध्यम से मीडिया का शुक्रगुजार हूं और ये स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि जम्मू कश्मीर धरनों का स्टेट बन चुका है। इस समय यूटी है, हर तरफ देखो मजदूर का धरना, एस्पायरेंट्स का धरना, एनवाईसी का धरना और जितने डिपार्टमेंट्स हैं हर तरफ धरना ही धरना। और इसका कारण एक ही है, सरकार तो कहती है कि विकास चौतरफा विकास हो रहा है, मैं कहता हूं जिस परिवार के सदस्य भूखे हों, अन्न के लिए रोडों पे निकले हों, आज जो डेली वेजर्स रोडों पे निकला है ये अन्न मांग रहा है सरकार से। 22 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से निरंतर सेवाएं दी हैं, घर घर पानी पहुंचाया है, घर घर बिजली पहुंचाई है, साफ सफाई की व्यवस्था पहुंचाई है। और शायद इनसे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है, क्योंकि एलजी साहब को बड़ा मुद्दा चाहिए तो ये उन्हीं के लिए कार्यक्रम आज समझ लीजिए कि गुलिस्तान चैनल आपको दिखा रहा है कि बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, क्योंकि रीजनल चैनल आपको बहुत अच्छे से दिखा सकता है कि ग्राउंड जीरो पर बड़ा मुद्दा कौन सा है। तो ताजी आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज निजी चैनल पर भी मनोज सिन्हा बात करते हुए नजर आए और वो कह रहे थे कि छोटा मुद्दा यहाँ पर चुन लिया, बड़ा मुद्दा होना चाहिए था, क्या लगता है कि 20-25 सालों से धरना प्रदर्शन चल रहा है अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? आखिर शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। मैं कल की आपको बात सुनाऊं, कल किसी ऑर्गेनाइजेशन के 25-30 लोग किसी मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के जो बड़े चैनल जिनको कहा जाता है राष्ट्रीय चैनल, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, वो सभी लोग उनका वो प्रोटेस्ट 25 लोगों का कवर करने के लिए आए और जबकि सामने हम 10-12 हज़ार लोग थे, हमारी तरफ उनका कैमरा नहीं घूमा। हम गुलिस्तान चैनल का, जेके मीडिया बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप हम गरीब लोगों का आवाज़, जो एलजी साहब ये कहते हैं कि छोटे मुद्दे छोटे, सबसे बड़ा मुद्दा ये प्रधानमंत्री साहब के सामने कहा गया था 2014 में ललकार रैली में जुगलकिशोर शर्मा जी के द्वारा, वो उस टाइम एमपी कैंडिडेट थे जम्मूपुंछ से और प्रधानमंत्री साहब जो अभी हैं ये बीजेपी के इलेक्शन कंपेन कमेटी के चेयरमैन थे पूरे ऑल ओवर इंडिया के, जिसको प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कह सकते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा कह सकते हैं, चेहरे पे उनके सामने ये बात कही गई जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो 60,000 कैजुअल लेबर है। लेकिन आज की डेट में एलजी साहब भी भूल चुके हैं और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री साहब अमित शाह जी की तरफ से एलजी से भी मुलाकात करने की कोशिश हुई है, लेकिन उस पर क्या कुछ कहना था, क्या मुलाकात हुई थी, अगर हुई है तो कैसे आश्वासन? मैम, हमारी एलजी साहब से ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है। 11 नवंबर 2020 को एलजी साहब ने राजभवन के अंदर मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी की मौजूदगी में वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन ख़त्म होने दो, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन लगातार 2 साल बीतने को हो गए, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद बहुत सारे प्रयास किए कि एलजी साहब से मिला जाए लेकिन शायद वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए शर्म के मारे वो हमें फेस नहीं कर पा रहे, इसलिए वो टाइम नहीं दे रहे। जैसे आपने मुद्दे का
जिक्र किया, बहुत बड़ा मुद्दा। तो ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये एलजी साहब पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है हिंदू मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, कश्मीर की बात होगी, तो वो बड़ा मुद्दा है। इन लोगों के लिए 61,000 परिवारों के बच्चे दर बदर हो गए, उनकी एजुकेशन का राइट छीना जा रहा है, उनका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। लगातार डिबेट करने की जरूरत है, जहां से हर एक सरकारी नुमाइंदा जो है वो बचता हुआ नजर आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी जब बात होती है तो वो भी जिस तरह से उन्होंने खुद ही कह दिया कि कैसे मुद्दे यहां पर उठाए जाते हैं, इन तरफ यहां पर कैमरा घुमाना बहुत जरूरी है। आपको ये याद दिला दूं कि आज ये यहां पर लाठी डंडे खाकर पहुंचे हैं, और पुलिस स्टेशन से बाहर इन लोगों को निकाला गया है क्योंकि वहां पर इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और उसके बाद अब आप देखिए हालात किस तरह से बन गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और एलजी कहते हैं कि बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए था, जब बड़ा मुद्दा बार बार उठाकर दिखाया जा रहा है तो इस पर किस तरह से गौर फरमा रहा है यहाँ पर एलजी प्रशासन, ये सोचने वाली बात है। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कितने सालों से हैं, कुछ लोग तो रिटायर भी हो गए। मैम देखिए, मुझे खुद 20-22 साल हो गए इस डिपार्टमेंट के अंदर, और रिटायरमेंट की आप बात करिए तो हर 30-40 साल की आयु करके रंग लिफाफा दूसरी बात रही, यहाँ पर क्लियर कर दूं कि डेली वेजर्स के मुद्दे को छोटा मुद्दा नहीं कहा गया है, हाईवे का काम लाइफलाइन उसे कहा गया था, इस पर सवाल पूछा गया। और उस बीच में यहाँ पर यह कहा गया कि स्मार्ट सिटी बनाना था कश्मीर के अंदर श्रीनगर को, वो क्यों नहीं बनी है, तो एलजी कहते हैं कि वो छोटे छोटे मुद्दे हैं, बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए था। इसलिए डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर अगर ग्राउंड पर उतर कर देखा जाए, क्योंकि आपने देखा कि 60,000 के लगभग ये लोग हैं, और 60,000 लोगों के घरों के अंदर लगभग 10 लोग तो हैं ही, क्योंकि 7 इन्होंने कहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 मानकर चलिए, तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि जड़ता कितनी ज्यादा है और यहाँ कितना मानदेय दिया जा रहा है उस पर भी देखने की जरूरत है। देखिए मैम, 23 साल हो गए हैं सेवाएं देते हुए, 23 साल हो गए हैं, 55 साल मेरी उम्र हो चुकी है, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है मुझे ये बताइए। हमारे बच्चे आज भी सड़कों पर दर दर हो रहे हैं, फीस नहीं मिल रही है, कुछ हमारे साथी चले गए हैं, एक साथी कल हमारा चला गया वो हमें छोड़ के, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, कल वो चला गया हमें छोड़ के, बड़े दुख से साथ के कहना पड़ता है, किसके पास जाएं, किस किस के आगे गुहार लगाएं। और सरकार जब यहाँ पर सत्ता में विराजमान हुई थी उस वक्त बहुत अच्छे से रैली भी हुई थी, और उधमपुर के अंदर ये बड़ी रैली हुई थी जहाँ पर एक बड़ा दावा पेश किया गया था कि सबसे पहले डेली वेजर्स के मुद्दे को हल किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, अगर इन लोगों का मुद्दा हल किया गया होता तो इस तरह से यहाँ पर लाइन मेरे पीछे नहीं लगी होती, और बार बार ये बताने की कोशिश नहीं होती कि इससे बड़ा मुद्दा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि घर के अंदर अगर खाने के लिए रोटी नहीं है तो समझिए कि किस तरह से घर जो है वो चलता होगा, किस तरह से घर चल रहा है। बहुत हो गया अत्याचार, अब की बार नहीं चाहिए ये मोदी सरकार। दुखी मन से कह रहे हैं हम, एलजी साहब आपने हमें इतना डिस्टर्ब कर दिया है, हम करके रहे हैं ना गाड़ गाड़ के रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बड़े मुद्दे की बात करनी है, कौन सा ये मंत्रों का शहर था तो जो आपने 50 शराबों के ठेके खोल दिए, ये विकास किया है आप लोगों को, हमने लोगों को वोट दिए थे जिनसे से चला नहीं जाता था, उनको उठा के पालकी में डाल के हमने कहा कि भूत में डाल के 14 नंबर बटन दबाना कमर का, और ये विकास हो रहा है आज हमारे पे लाठी चार्ज हो रहा है, और आपका नारा है गवर्नमेंट का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ शर्मनाक की बात है, बीजेपी वालों बेटी को फांसी में लटकाओ, 70 महीने की बेजीज नहीं मिल रही है, और आज हम जब भी रोड पे आते हैं एलजी प्रशासन साहब कुछ नहीं सुनते हैं और दोगली वाली पॉलिसी कर रहे हैं, लाठी चार्ज करते हैं और कुछ नहीं। सर पेशेंस का चेक किया जा रहा है शायद कि कितनी देर ही धरना प्रदर्शन करेंगे, तो समझिए कि 20-25 सालों से अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो बहुत आगे तक और भी जा सकते हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप देखिए कि पॉलिसी बनाने की बात कही जा रही है, ताजी आप भी मुझे बता रहे थे कि पॉलिसी को लेकर बात कर रहे हैं, तो उस पर जरा बताइए कि किस तरह की पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। मैडम मैं पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, दूसरी बात यह है कि जो इस गुलिस्तान न्यूज़ से इस गरीब
आवाम की, इस गरीब डेली दर की आवाज उन आला हुक्मरानों को पहुंचाते हो जो आला हुक्मरान इस वक्त के दौर में यहाँ पर हुकूमत करते हुए कहते हैं कि कोई बड़ा मुद्दा उठाओ। 30 साल से हम 3 डिमांडें लेके चल रहे हैं। बाहर से आकर यहाँ पर बैठे हुए और कहते हैं बड़े मुद्दे की बात, बड़ा मुद्दा उसके सामने 3 गवर्नर यहाँ से चेंज हो गए, 3 गवर्नर यहाँ से ले गए जब से यूटी बनी है। तो मुझको ये चीज बताओ, 3 डिमांडें हम गरीबों की है जनाब, ऐसा वो दिया जाए। कपड़े भी खोले हमने, सड़क पे भी आए, रोए भी, डंडे भी खाए, उसके बावजूद इस वक्त मतलब कि मुर्मू जी के समय भी आया यहाँ पर और सत्यपाल मलिक का भी समय आया, अब मनोज सिन्हा जी आ गए हैं, लेकिन अभी तक मुद्दा जो है वो बड़ा सामने नहीं आया है कि कौन सा बड़ा मुद्दा। अब यहाँ पर सोच विचार ये करने की जरूरत है कि एक निजी चैनल पर आप कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए, तो वो बड़ा मुद्दा कौन सा होना चाहिए? क्योंकि अगर इस तादाद में ये लोग धरने प्रदर्शन में है तो एक स्वर में जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अपनी डिमांड्स को सामने रखिए कि आप लोगों की जो मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर बात हो रही थी, तिरंगा हाथ में लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारत माता की जय हो रही है, हर घर के अंदर तिरंगा फहराया जा रहा है, लेकिन डेली वेजर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो एक स्वर में कि आप लोगों की डिमांड क्या है, जरा वो सरकार के कानों तक पहुंचे, एलजी प्रशासन के कानों तक पहुंचे, क्योंकि अभी तक वो बार बार कह रहे हैं कि कोई बड़ा मुद्दा लेकर सामने आ जाइए। तो एक बड़ा मुद्दा उन्हें जरूर बता दीजिए कि आपके क्या क्या यहाँ पर बड़े मुद्दे हैं, एक ही स्वर में सब लोग। जेके गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तमाम डेली बेसिस को रेगुलराइज करो, तमाम डेली बेसिस को परमानेंट करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, जेके गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जेके गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जेके गवर्नमेंट हाय हाय, चलिए। तो शायद ये एलजी प्रशासन के कानों तक पहुंच गई होगी आवाज और एलजी तक भी आवाज पहुंच गई होगी, क्योंकि आप एक बड़ा मुद्दा चाहते हैं। तो बार बार इस शब्द को मैं इसीलिए यहां पर रिपीट कर रही हूं, दोहरा रही हूं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ग्राउंड पर है, उसके लिए ग्राउंड पर उतरने की आपको जरूरत है कि युवा किस तरह से सड़कों पर है, डेली वेजर्स किस तरह से सड़कों पर हैं, 60,000 की तादाद में हैं, और उसके साथ साथ आप देखिए युवाओं को 50,000 युवाओं को नौकरियां देने की बात हुई थी, लेकिन जो अभी तक नौकरियों की बात हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्कैम और स्कैम सामने आ रहे हैं, घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं। लगभग बताया ये भी जा रहा है कि 100-100 करोड़ रुपए का घोटाला भी हो रहा है। तो जाहिर तौर पर समझिए कि ये डेली वेजर्स किस तरह से अपना गुजर बसर यहाँ पर कर रहे होंगे, जो एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आज ही अगर मैं आपसे ये जानूं कि कितने सालों से आप लोग यहाँ पर हैं, आश्वासन पर आश्वासन, लेकिन इस बार क्या चाहते हैं कि किस तरह से फ्रेम होना चाहिए सारी चीजों को? मैडम, पिछले 25-30 साल से हम इस शोषण का शिकार हो रहे हैं, और हमने एलजी साहब से 11 नवंबर 2020 को ये बात कही थी कि हम नहीं कहते आप 30,000 लोगों को, आप स्टार्ट कीजिए, जैसे भी आपको करना आप स्टार्ट कीजिए। आज की डेट में पीएचई जम्मू प्रोविंस के डेली वेजों का 650 करोड़ के करीब डिपार्टमेंट के पास हमारा बचा हुआ, जो हमारा पेंडिंग वेज है वो नहीं दे रहे, हमारा पैसा उनके पास आया है, हम कहते हैं 400 करोड़ उठाओ, हम लोगों को रेवेन्यू कर दो, हम लोग ये डिमांड करते हैं, हमें 50,000 पे बनेगी, हमारी जो पे बनी रेगुलर होने के बाद, पक्का होने के बाद, वो 18-20,000 ज्यादा कभी नहीं बनेगी। लेकिन ये लोग चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, ये चाहते हैं इनके तरह इनके बच्चे बदवा मजदूर बने। और जिस तरह से एक बार बात ये भी सामने आई थी कि कुछ सरकार के ही नुमाइंदे हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं, एमएलए हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि अगर आपका मुद्दा हल हो सकता है तो एलजी प्रशासन में ही इस वक्त हो सकता है, नहीं तो उसके बाद कोई नहीं कर सकता। नहीं मैडम, ऑन द रिकॉर्ड बोला उन्होंने, मैं नाम भी लूंगा, देवेंद्र सिंह राणा जी हैं, पहले एनसी के लीडर थे, आज बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये कहा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में इतनी विल पावर नहीं है, क्योंकि तब होगा कोई एमएलए मिनिस्टर कहेगा मेरे 500 डालो, मेरे 200 डालो, आज की डेट में होगा तो होगा, नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हमने इस बार नारा दिया है इस आंदोलन को, अभी नहीं तो कभी नहीं, और हमने भी सरकार को सीधा स्पष्ट कह दिया, रखना है तो रेगुलर करो, अदरवाइज हम सबको टर्मिनेट करो, हम भी देखते हैं ये डिपार्टमेंट कैसे। अगर रखना है तो भी ठीक है, नहीं रखना है तो भी ठीक है, एक ही बार में फाइनल होनी चाहिए चीज़ें। हम लोग पिछले 94 के बाद के सभी लगे हुए डिपार्टमेंट को फ्री में चला रहे हैं, तो 1962 में ये डिपार्टमेंट बना था, उस टाइम से आज तक यही सिस्टम है, जो लेबर लगती है उसको 7 साल के बाद परमानेंट किया जाता है। तो 94 के बाद
जितने भी मुलाजिम लगे हैं इनको किसी को भी इन्होंने परमानेंट नहीं किया, सिर्फ बदुआ मजदूरी की तरह इनको बदुआ मजदूरी का शिकार बना के रखा हुआ है इनको। जहाँ जहाँ बड़ी से बड़ी स्कीम लगती है तो करोड़ों रुपया खर्च होता है उसको स्कीम को इम्प्लीमेंट करने, मतलब उस सिस्टम को चलाने के लिए मेन पावर का इन्होंने कोई प्रबंध नहीं रखा। दो चार लड़के इधर उधर से पकड़ के वहाँ लगा देते हैं। हमारे ही साथी जिन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन दी है लैंड ओनर करके, उन ज़मीन का भी इस्तेमाल खुद करते हैं। तो JEAW एक्सिन साहब तक खूब पैसा कमाते हैं, मगर जब हमारे डेली वेजरों की बात आती है तो इनके पास ना कोई पॉलिसी है, ना कोई स्कीम है, ना कोई पेंडिंग वेजी है, सिर्फ हमें गुमराह किया जाता है। और हमारे साथी हर दिन रिटायर होते जा रहे हैं बिना कुछ लिए, गुमराह किया जा रहा है। और बिल्कुल सही है, आप देखिए जिस तरह से आरोप यहाँ पर लगाए भी जा रहे हैं कि 20-25 सालों से अगर आप लोग इसी तरह से एज अ डेली वेजर काम कर रहे हैं, कई लोग यहाँ रिटायर भी हो चुके हैं, तो जाहिर समझिए कि अगर आपके भी घर में कोई रिटायर आता है तो एक उम्मीद जरूर बनती है कि वो कुछ तो लेकर आएगा। लेकिन डेली वेजर अगर रिटायर हो रहा है तो वो खाली हाथ अपने घर जा रहा है, सेवा अपनी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लैंड डोनर्स की बात की गई कि कैनाल के तादाद में यहाँ पर अपनी ज़मीन जो है वो सरकार को दी गई है, ट्यूबवेल वहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन एज अ चौकीदार जो है वो नौकरी उन्हें दे दी गई है। और उसके बाद मानदेय की बात करें तो कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन मानदेय को लेकर अगर हम बात करें, जिस तरह से 22 दिनों को लेकर बात उठ रही थी, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के साथ एक जंगनय अपराध हुआ है, जिसकी कोशिश एक प्रयास किया था, एक उम्मीद थी कि 2014 में देश में बदलाव हुआ है। लेकिन अगर 19 में 35A और 370 हट सकता है तो हमारा सवाल है कि डेली वेजर पक्का क्यों नहीं हो सकता है। जय विकास पुरुष भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के केंद्रीय मंत्री आज जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल महोदय बैठे हैं, जे लोगों से कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हम महाअगाड़ी विकास कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की धरती आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर अनमोल है, जम्मू कश्मीर का कोई मोल नहीं है। आप जो जम्मू कश्मीर के साथ एक याति कर रहे हैं उसके प्रति, चाहे वो डेली वेजर होगा, फूल लगाने वाला होगा, पानी देने वाला होगा, बिजली वाला होगा, हॉर्टिकल्चर का होगा, फ्लोरिकल्चर का होगा, हमारा जम्मू का किसान है, आपको कश्मीर के साथ प्रेम है, आप कश्मीर का प्रेम दिखा रहे हैं, आप जम्मू के क्यों कोसने में लगे हुए हैं। जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के 25 नालायक विधायक, मैं ये कहूँगा कि अगर 2015 में आप लोगों को जहाँ पर शिरकत दी, जहाँ आपको लोगों को जहाँ पर लाया गया उसी उम्मीद के साथ लाया था जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर विफल साबित हुई। मतलब अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ गया है कि जिस तरह से पहले कहा जाता था, आरोप लगता था कि जम्मू और कश्मीर के साथ भेदभाव होता है और कश्मीर में सबसे ज्यादा काम जो है वो होता है, लेकिन यूटी जब बनाया गया था तो कहीं ना कहीं इस पर मंथन जरूर किया गया था कि इस पर पूर्ण विराम लगेगा, लेकिन अभी भी नहीं लगा है, तो फिर तो गौर फरमाने की जरूरत है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक बड़ा दावा पेश किया जाता है सरकार की तरफ से कि बहुत ही जल्द मुद्दा हल किया जाएगा, PDD जो डेली वेजर्स थे उनके 11,000 मुलाजिमों को लेकर हल किया गया मुद्दे को, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि उस तरह से अगर काम किया गया होता, अलग अलग कैटेगरीज में बनाकर 20,000-30,000 उस तरह से भी हो सकता था? देखो 92 से लेकर आज 2022 चल रहा है, 30 वर्षों पुराना हमारा मुद्दा है। हम SRO 64 की मांग कर रहे हैं, परमानेंट पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। अगर ये सरकार चाहती है, अगर चाहे तो हमारा मसला 12 घंटे के अंदर कर सकती है, अगर इसका काम करने का मन हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे 23,000 वर्कर को एक ही साथ में परमिट किया जाए। पिछली सरकारों ने एक फेस मैनर में एक नीति बनाई कि 3 फेस में परमानेंट किया जाएगा। अगर ये सरकार 5,000 को भी लेके चले तो हम उसके साथ सहमत हैं, मगर ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, इनको विकास पुरुष कहा जाता है, मैं इनसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब तक जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर ये मजदूर, जिसका 30 साल पुराना मसला है, जिसकी 70 महीने की पेंडिंग चल रही है, और जिन स्थायी कर्मचारियों की नौकरी के दरमियान डेथ हो गई है, उनके परिवारों में जाकर देखिए कितने बुरे हालात है, वो खून के आंसू रो रहे हैं। जो लोग हमारे जिला रियासी की बात करें, पावन नगरी हमारी कटरा माता वैष्णो देवी की, 15 लोग 30 अप्रैल को जिला रियासी से रिटायरमेंट हो गए हैं। इस विभाग ने, इस LG प्रशासन ने चाय के कप के लिए तो क्या उनको पूछा नहीं कि रिटायरमेंट के तौर पे क्या पॉलिसी देनी चाहिए, उल्टा वो लोग टेंशन ले रिटायर भी हो गए हैं लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
मैडम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम गरीब लोगों की जो आवाज़ है आप इन बैरों के जालमों तक पहुँचाते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि एलजी मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा था धारा 370 का, उन्होंने उसको एक झटके में हटा दिया और उससे दूसरा नंबर था हमारा 61,000 जो हमारे डेली रेट वर्कर हैं उनका मसला। आज 8 साल हो गए भाजपा के, पहले भाजपा जो कहती थी कि सड़कों पर होती थी कि यहाँ कश्मीरी जो कश्मीरी हुक्मरान है जो जम्मू के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन 8 साल से सेंटर में बीजेपी सरकार है, लेकिन उन्होंने हमने यहाँ 25 MLA जिता के बीजेपी के भेजे, लेकिन इन्होंने हमारा मुद्दा हल नहीं किया। हमें 22 साल लगे हुए हैं डिपार्टमेंट में, 22 साल से हमारे साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। हमने 70 महीने की पेंडिंग भेजी इनके पास, डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है। और हमें पहला तो मुद्दा यही है कि हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी SRO चौड़ के तहत ही जाए, चोड़ के मुताबिक हम लगे हैं डिपार्टमेंट। 370 जब टूटा था, हमें एक उम्मीद बनी थी जम्मू कश्मीर के अंदर 370 टूटने के बाद कि हम लोगों का कुछ ना कुछ हल होगा, लेकिन हमें मैं गवर्नमेंट से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर ये जो 370 तोड़ने के बाद हमें UT जो हमारी बनाई, मैं हमें कौन सी कंट्री के साथ लगाया है, बांग्लादेश के साथ लगाया, श्रीलंका के साथ लगाया, नेपाल के साथ लगाया, अगर हमें जम्मू कश्मीर को अगर हिंदुस्तान के साथ हमें जोड़ा है, तो फिर अगर दिल्ली के अंदर 18,000 रुपये डेली वेज को मिनिमम वेज रेट मिल सकता है, तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। ये तो हमारे साथ शरेआम जो BJP सरकार सेंटर में बैठी, तर्ज पर ही अगर काम किया गया होता तो उस पर भी हल हो सकता था। आप क्या कहें? देखिए मैम, ये हमारी उम्र तो हो चुकी है, अब सवाल जो है हमारे बच्चों का है, उनके फ्यूचर का है, उनकी पढ़ाई अंधेरे में है, उनका भविष्य अंधेरे में है। हम चाहते हैं कि हमें BJP से बड़ी उम्मीद है कि वो हमारा मसला ये है जो जल्दी हल कर दे, क्योंकि आज तक ना तो किसी पार्टी ने हल किया ना कोई, BJP से एक उम्मीद थी कि ये ऐसी पार्टी बनेगी कि ये जो हमारा मसला हल करेगी। मतलब BJP से एक उम्मीद थी, लेकिन वो भी अब यहाँ पर आप देखिए धूमिल होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले JK चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम, जैसे आपने कहा कि हमें उम्मीदें, तो क्या 2014 में बढ़ जड़ चढ़ के हमने अपने परिवार का जो हमारा राइट था इन लीडरों के लिए जो वोट था हमारा वो हमने इनको दिया, क्योंकि हम नहीं जानते थे। खासकर मैं कहूँ कि पार्टी की बात से अगर लिया जाए तो एक हर वोटर के दिल में अपना लीडर चुना होता है, मगर हमने उस वक्त किसी लीडर को नहीं देखा। पिछले लीडरों ने भी हमको सताया था, क्या उसमें PDP, क्या कांग्रेस, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, मगर हमने इनको छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी को वजूद में लाया, वजूद में लाने के बाद इसलिए लाया था कि हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो, हम अपने बच्चे पास रेगुलराइजेशन पॉलिसी। आप कुछ कहेंगे, क्योंकि तब से आप झंडा लेकर हैं। जय माता दी, मैं कटरा माता वैष्णो देवी से हूँ। आज तक मुझे 20 साल हो गए मुझे लगे हुए। हमने यही सोचा था कि हम माता वैष्णो देवी में एक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो यात्री बाहर से आते हैं उनको पानी पिलाते हैं, लेकिन हमें ये भी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसी लेके आएगी तो हम पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, जिससे हमें 2014 में पॉलिसी लेकर आएगी और हम परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक आप देखिए 20 से 25 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। आप कुछ कहेंगे? मैडम जी, जो हमारे साथी इस डिपार्टमेंट में सुसाइड के घर में जाते हैं, अपना डिप्टी निभानी डिप्टी के पास घर जाते थे, बच्चों की फीसें नहीं होती थी, राशन नहीं होता था, हमारी उनकी हत्या हुई है, कत्लेआम किया है। जो हमारी सरकार है इस पर FIR होना चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं श्रीलंका को पैसा भेज रहे हैं, जम्मू में भूखे 61,000 काजल लेबर भूखी मर रही है, 370 थोड़ा ड्यूटी में लाया तो हमें ड्यूटी का रेट क्यों नहीं दिया गया। ये हमारे सरासर हमारे साथ बेइंसाफी है, हम जो आंदोलन और तेज करेंगे, हमारे डेली वेजनों का मसला हल नहीं हुआ। इसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी ताज जी, जल्दी से जो भी लीडर हैं वो चारों आगे आ जाएं, जल्दी जल्दी से बताएं मुझे। हम लोग सोशली इकोनॉमिक बड़े वीक हो चुके हैं और हम किसी भी हद तक जाएंगे, पॉलिसी बगैर हमारी वापसी नहीं है, पॉलिसी नहीं तो वापसी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ये सोच रही है कि जब यहाँ पर विधानसभा चुनावों का ऐलान होता है उस वक्त कोई कार्ड जो है वो खेला जाए? मैडम, हम 2002 से यही चीज़ देख रहे हैं, 2002 के विधानसभा चुनावों से पहले उम्मीद जिताने हमें लॉलीपॉप दिया गया,
इलेक्शन में आपका इलेक्शन के पास आपका काम करेंगे। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा 2002, 2009 और 2014 में बीजेपी के सभी लोग उस 14 से पहले हमारे पास आते थे कि हम एक बार सत्ता में आए, हम आपका मुद्दा बिल्कुल वन टू में हल करेंगे। आज 8 साल इनको भी हो गए। 60,000 डेली वेजर हैं और 60,000 डेली वेजर्स के अगर घर वालों को भी मिलाया जाए तो लाखों की तादाद में वोट बनते हैं। अगर इस तरीके से भी देखा जाए तो भी मुद्दा यहाँ पर हल जो है वो हो सकता है अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहें। मैडम, वोट बैंक की राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी एक पार्टी हमें फुटबॉल की तरह किक मार दूसरी की तरफ फेंकती है, दूसरी तीसरी की तरफ। अब हम लोगों का यही वन अभी नहीं तो कभी नहीं, एलजी साहब के टाइम ही होगा। और इलेक्शन से पहले हम लोगों ने पॉलिसी लेके जॉइंट रिपोर्टें डालनी है, हम इन पर विश्वास कर रहे हैं। बड़े मुद्दे का एक जवाब मैम, जैसा एलजी साहब ने बड़ा मुद्दा कहा तो मेरी यही उनसे अपील है कि जो उन्होंने एक काला चश्मा पहना हुआ है उसको उतारें और देखें कि ये 6 लाख के ऊपर लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जहां रोटी का इंतज़ाम नहीं है, एजुकेशन का इंतज़ाम नहीं है, और अगर हमारे देश में कहा जाता है कि यूथ जो है वो देश का फ्यूचर है, हमारा जो देश का आने वाला फ्यूचर है उसको अगर एजुकेशन ही नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में सिर्फ क्राइम ही बढ़ेगा, नशाखोरी बढ़ेगी। इसलिए इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देख के इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करें। बस यही है कि हम मैनिफेस्टो का शिकार नहीं होंगे। अब मैनिफेस्टो से पहले हमको रेगुलराइजेशन पॉलिसी चाहिए, उसके लिए चाहे हमें बलिदान देना पड़ा हम देंगे, मगर बिना पॉलिसी के वापस नहीं होगी। चलिए, मतलब कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और बड़ा मुद्दा एलजी के सामने यहाँ पर रख दिया है कि आप बड़ा मुद्दा ढूंढ रहे हैं, तो बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने है। युवाओं का मुद्दा भी इससे बड़ा, क्योंकि एस्पिरेंट्स जो हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राउंड पर उतर कर देखिए कि युवा किस तरह से बेरोजगारी से परेशान है। और डेली वेजर साफ तौर पर यहाँ कह गए हैं कि अगर इस बार नहीं तो फिर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बार बार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है लेकिन गौर नहीं फरमाया जा रहा है। और जब तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती ये लोग हटने वाले नहीं है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।